महबूब शाह वर्सेस एम्परर सेक्शन 34 का लीडिंग केस, सेक्शन 34 आईपीसी का और बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा है 3(5). तो सेक्शन या तो हम 3(5) बोले या फिर 34 बोले, तो ये जब सेक्शन 34 का इंटरप्रिटेशन करना होता है, खासतौर से कॉमन इंटेंशन को समझना होता है, तो ये केस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लीडिंग केस के रूप में काम करता है उसे समझाने के लिए। तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले से थोड़े फैक्ट समझ लेते हैं। 25 अगस्त 1943 को अरहादार और कुछ उसके फ्रेंड नाव की सहायता से सिंध नदी पर गए। सिंध नदी पर गए, उनका उद्देश्य था कुछ रीड्स को इकट्ठा, लकड़ियों को, गट्ठरों को इकट्ठा। तो जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा मोहम्मद हुसैन शाह नहा रहा है किनारे पर। मोहम्मद हुसैन शाह ने जब इनको देखा कि लकड़ी के लिए आए हैं, तो मोहम्मद हुसैन शाह ने इनको मना कर दिया कि यहां से रीड्स इकट्ठी मत करना, नरकुल यहां से नर्क ले जाने के लिए उसे कहा कि नरकुल मत ले जा। परंतु अल्हादार ने मोहम्मद हुसैन शाह की बात को नहीं सुना और उसको अनसुना करते हुए उसने नरकुल काटे और वह इकट्ठा करके ले जा दिया। जब वह इकट्ठा करके ले जा रहा था अल्हादार, तो मोहम्मद हुसैन शाह का भतीजा था गुलाम कासिम शाह रास्ते में मिला और उसने कासिम शाह ने अल्हादार से उन नरकुलों को लौटाने के लिए कहा, परंतु अल्हादार ने उसे वापस करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से गुलाम कासिम शाह ने अल्हादार पर अटैक किया परंतु वो मिस हो गया। ठीक है, वो मिस हो गया। उसके पश्चात फिर अल्हादार ने अटैक किया, अल्हादार ने अटैक किया गुलाम कासिम शाह पर, और जब अल्हादार ने अटैक किया गुलाम कासिम शाह पर, तो गुलाम कासिम शाह हेल्प के लिए चिल्लाया, मदद के लिए चिल्लाया, और जब मदद के लिए चिल्लाया तो जो जंगल में जो अन्य व्यक्ति थे उसके साथी वली शाह और महबूब शाह, ये दौड़े दौड़े भागी भागी आए। इनके हाथों में बंदूक थी, जब उन्होंने देखा ऐसी स्थिति में तो बंदूक थी तो ये भागने लगे। अल्हादार और उसका फ्रेंड था हमीदुल्ला, उनको देख करके ये भागने लगे इधर उधर के साथ। तो वली शाह ने अल्हादार पर और महबूब शाह ने हमीदुल्ला पर गोली चलाई। जब वली शाह ने इस पर गोली चलाई तो जो आपका अल्हादार था वो मर गया, परंतु जो वली शाह था वो भाग गया, वो पकड़ नहीं लिया, एब्सॉल्ड हो गया, और जो महबूब शाह था उसको पकड़ लिया। तो महबूब शाह पर और गुलाम कासिम शाह पर 302 रीड विद सेक्शन 34 के अधीन हत्या का आरोप लगा। अगर सेक्शन 34 साबित हो जाता है तो इसका प्रभाव ये होगा कि जो जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होंगे सारे के सारे मर्डर के लिए लायबल होंगे, भले ही उन्होंने मर्डर ना किया। तो इसके लिए साबित करना पड़ेगा क्या उसने जो काम किए थे वह क्या सामान्य आशय के अग्रसर में थे। तो जैसे ही ये चिल्लाया था गुलाम कासिम शाह मदद के लिए, तो यहाँ पर भागे भागे आए वली शाह महबूब शाह, तो यहाँ पर आने का उद्देश्य इन दोनों का क्या था, क्या इनको मारना, उन्हें तो पता ही नहीं था, क्या हो सकता किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया हो सकता कुछ और हो। तो यहाँ पर उनका उद्देश्य था अल्हादार का और उनके मित्र का इसको बचाना, किसको, उसके जो गुलाम कासिम शाह मदद के लिए चिल्ला रहा था, तो इन दोनों का उद्देश्य था इसको बचाना। तो गोली चलाई तो उनका उद्देश्य ये भी रहा हो सकता है कि हो सकता है कोई जानवर हो, कोई लुटेरे हो, कोई हो, मैं मदद करूं और जरूरत पड़े तो मैं गोली भी चला लूं, पर गोली चलाना भी उसका भी उद्देश्य था उसको बचाना। अब यहां पर इन दोनों ने गोली चलाई, क्या इन्होंने सोच समझ करके चलाई, क्या ये दोनों जब आए थे प्लानिंग करके आए थे, विचारों का मिलन हुआ था, पूर्व नियोजित योजना थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस भागे भागे आए और इसने इस पर गोली चलाई। तो यहां पर अब इन पर चूंकि चार्ज लगा 302 और 34 के लिए, अब यहां पर चार्ज के लिए यह साबित करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन साइड को, क्या उनकी पूर्व योजित योजना थी, क्या कृत्य जो एक्ट किया था इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन था, क्या सामान्य आशय के अग्रसर में था, नहीं था, क्योंकि उनके मत भी प्लानिंग ही नहीं थी, वो तो बस बचाने के उद्देश्य से आए थे। यदि ये चीज और बताई यहाँ पर जो प्रीवी काउंसिल था जो डिफरेंस किया, दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पर इस मामले में, क्या इन दोनों के मध्य, इन सब के मध्य जो व्यक्ति थे खासतौर से ये
क्या इनके मध्य पूर्व योजित योजना थी, प्री अरेंज प्लान था, दूसरा क्या कॉमन इंटेंशन था, और एक और चीज क्या कॉमन इंटेंशन और सेम और सिमिलर इंटेंशन एक ही होते हैं। तो प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि कॉमन इंटेंशन के लिए प्री प्लानिंग करनी होती है और सेम इंटेंशन के लिए प्री प्लानिंग नहीं होती। जैसे मैं भी यहाँ पर मैं भी इस पर भूसा मार रहा हूँ, ये आए इन्होंने भी इस पर भूसा मारा, हम दोनों की कोई प्लानिंग नहीं थी, तो ये सेम इंटेंशन, पर हम दोनों मिलकर के आए, फिर हमारा उद्देश्य था इस बोर्ड को तोड़ना, इस व्यक्ति को मारना, यहाँ पर लूट करना, तो ये कॉमन है। तो कॉमन इंटेंशन के लिए व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं, और सेम या सिमिलर इंटेंशन काम वही होता है, परंतु प्री प्लानिंग नहीं होती, अपने अपने अनुसार व्यक्ति काम करते हैं। तो प्रीवी काउंसिल ने उसकी सजा जो उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में दी थी उसको कैंसिल कर दिया। तो ये आपका केस था इंटरव्यू वगैरह में, मेंस वगैरह में लिखे, पर बहुत ज्यादा नहीं, संक्षिप्त में लिखा।